जिलाधिकारी विनीत तोमर ने सोमेश्वर में निर्माणाधीन उपजिला चिकित्सालय और अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ उपस्थित रजिस्टर टीकाकरण कक्ष फार्मासिस्ट कक्ष वार्ड पंजीकरण कक्ष आदि का निरीक्षण कर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि बरसात के दिनों में स्नेक बाइट के अधिक मामले सामने आते हैं, इसलिए एंटी स्नेक बाइट दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, साथ ही दवाइयों का रिकॉर्ड समुचित ढंग से रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएं। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन उपजिला अस्पताल के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सोमेश्वर में एक तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, उसको देखा गया क्या उसमें फैक्ट्री है और जल्दी से उसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो आसपास के भवन हैं जिनको सुरक्षा का खतरा हो सकता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिए गए। साथ ही जो अभी एडिशनल PHC चल रहा है वहाँ पर डॉक्टरों की क्या स्थिति है, कर्मचारियों की क्या स्थिति है, दवाई की क्या स्थिति है, इन सभी का निरीक्षण किया गया और सभी को सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए गए।